हेलो एवरीवन वेलकम टू ल्यूटैक और आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन से छह फेजेस हैं जो हम हैक इनिशिएट करने से पहले लेते हैं सो लेट्स स्ट्रेट जंप इन इट सो सबसे पहले स्टेज आती है रिकॉन्सेंस ठीक है इनफैक्ट लिमिटेड ऑल ऑफ दिज फेजेज इन अ स्टोरी बिकॉज नथिंग इज बेटर देन अ गुड स्टोरी ओके रिकॉनसेंस क्या करते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी को लेके चल रहे हैं एक स्टोरी हमारे पास ये है कि हम मुझे या आपको किसी को भी एक टारगेट दिया गया है एक कंपनी एक कोई बंदा कोई ह्यूमन बीइंग कुछ भी यार इट कुड बी एनीवन ठीक है कोई भी एक टारगेट होता है जिसको आप देखो ह्यूमन बीइंग को भी आप हैक नहीं करते हैं वी कॉल इट सोशल इंजीनियरिंग ठीक है तो कंपनीज को फॉर एग्जांपल मुझे हैक करना है ठीक है या आपको हैक करना है और हमारे पास एक टारगेट है तो देखें उन कंपनी के बारे में वी शुड बी हैविंग सम सम इन्फॉर्मेशन इट कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में ठीक है अगर आपको किसी कोई टारगेट दिया गया कि इसको है ना आपने एक्सप्लोर करना है एंड और किसी बंदे ने आपको हायर किया किसी कंपनी ने आपको हायर किया है यू नो टू नो कि हमारे पास वर्लनरेबिलिटीज़ कौन सी हैं एंड वट यू नो वट्स मेकिंग अस एक्सपोज ओवर द इंटरनेट तो इन चीज़ों के बारे में हमें पहले सबसे पहले इन्फॉमेशन चाहिए फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है एबीसी बंदे एबीसी कंपनी के अंदर कितने बंदे काम करते हैं ठीक है लिंकड इन प्रोफाइल्स उनके एम्प्लॉज़ के हैं ठीक है उनके वेब्स webs, वेबसाइट उनकी क्या है ठीक है एंड देन इफ़ यू कैन डिक डीप थोड़े से उनके आई एड्रेसेस पता चल जाए हमें वेब सर्वर्स पता चल जाएँ ठीक है तो इन ये सारी इन्फॉमेसन गैदरिंग जो है ये हम सबसे पहले फेज़ में करते हैं विच इज़ कॉल्ड रिकॉनसेंस ठीक हो गया चले अभी ये हमें पता चल गया ठीक है अभी सेकेंड फेज़ क्या है सेकंड फ़ेज़ हमारे पास है स्कैनिंग ठीक है अभी हम जब यह पता चल जाता है देखिए आप स्कैन तब तक इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं हो कि किसको स्कैन करना है यार ठीक है अभी आपको पता चल गया कि स्कैन किसको करना है उनके थोड़े बहुत आपको इन, भी पता चल गया उसके बारे में स्कैनिंग फेज इनिशिएट करेंगे पहले फेज में और सेकेंड फेज में एक चीज कॉमन है विच इज अ टूल एन मैप एन मैप से हम लोग ये दोनों फेज परफॉर्म करते हैं ठीक है अभी स्कैनिंग में हम लोग क्या देखेंगे स्कैनिंग में हम लोग उनके पब्लिक आई पी एड्रेसेस देखेंगे हम लोग कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं वो देखेंगे हमारे काम के कौन कौन से पोर्ट्स हैं जिसको हम एक्सप्लॉयड कर सकते हैं ठीक है उनके वेब सर्वर्स क्या हैं और वेब सर्वर्स कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हैं ये सारी चीज़ें हम लोग स्कैनिंग फेज में देखेंगे जब ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है हमें तो हम लोग थर्ड फेज में जम्प करते हैं विच इज़ गेनिंग एक्सेस अभी गेनिंग एक्सेस क्या चीज़ है गेनिंग एक्सेस से नाम से ही पता चल जाता है कि वी हैव टू गेट इन साइड द कंप्यूटर्स ठीक है या नेटवर्क्स हमें वो एक्सप्लोटेशन के पोर्ट्स um, पता चल गए कहाँ से हम वी कैन यू नो मेक अवर इंट्री तो जब ए एंट्री कर लेते हैं तो देन वी कैन गेट इन दिस्टम्स सिस्टम्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी तरह से लॉग इन कर लेता हूँ ठीक है तो द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस इज के जैसे ही अगर मैंने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ रैट्स या फिर मैंने कुछ फिशिंग टूल्स आ, मैंने आ, जो है ना यूज किए हैं इस थर्थ तीसरे थर्ड फेज को यूज करने में या कंप्लीट करने में मैंने कुछ फिशिंग साइट या मैंने कुछ फिशिंग लिंक दे दिया यूज़र को ठीक है अभी देखें मैंने आपको पहले बताया पहले यूजर पहले इकॉन में हम लोगों ने उस किसी किसी फॉर एग्जांपल उस कंपनी के किसी बंदे को टारगेट कर लिया ठीक है तो थर्ड फ़ेज़ में हम उस बंदे को ही टारगेट कर रहे हैं या फिर हम लोगों ने कुछ लिस्ट बना ली किसी बंदों की कि हम इनको टारगेट कर सकते हैं बिकॉज कंपनी इट बंदों के ऊपर काम करती है तो अगर आप बंदों को हैक करते हैं तो मतलब यू कैन मेरी बात आपको समझ आ रही होगी होपफुली तो तीसरी फेज में हम लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया ठीक है अटैक करना शुरू कर दिया क्रेडेंशियल्स को हिट एंड ट्राई करना शुरू कर दिया हम लोगों ने ठीक है तो जैसी हमें एक्सेस मिलती है फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्निक अपनी टेक्निक से फिशिंग हो चाहे कोई भी और हो ठीक है तो जैसे ही फिशिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग कोई ना कोई पी देंगे या फिर हम लोग कोई ना कोई, 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 कोई लिंक देते हैं या फिर हम लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन देते हैं एज सुन एज दे ओपन ए नो जैसी वो लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं ठीक है गेट एक्सेस टू दर कंप्यूटर्स ठीक है अभी आपको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि कहाँ से हम लोग लेके चल रहे हैं समझ तो आपको मेरे कंप्यूटर को फॉर एग्जांपल मैंने इस कंप्यूटर को आपकी या फिर किसी टारगेट के कंप्यूटर्स को मैंने एक्सेस कर लिया लेकिन देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि एसून एज फॉर एग्जांपल मैंने एक लिंक दिया लिंक ओपन किया और वो मलेशियस लिंक था लेकिन उसके अंदर कुछ था तो नहीं ठीक है कुछ भी नहीं था तो यूज़र क्या करता है यूजर बंद कर देगा उसको बंद कर देगा तो यार कुछ एड है व्हाट्सएप एस यून एज द्लोज दट लिंक एस सून एज द्लोज दर एप्लीकेशन एस एस सून एज द्लोज द वर्ड फाइल द पी डी एफ फाइल वर्ड एवर जिसमें हम लोगों ने पे लोड जो है ना वो किया होता है क्लोज करते हैं इट, आपका सेशन किल, आपका सेशन किल हो जाएगा अगेन यू हैव टू ट्राई तो जैसे ही हमारे पास एक्सेस मिलता है फोर्थ स्टेज जो है ना इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाती है विच इज कॉल्ड मेंटेनिंग एक्सेस अभी मेंटेन करना है उस एक्सेस को बिफोर दे प्रोसीड एंड दे क्लोज द लिंक और बिफोर पी डी एफ फाइल बंद कर देते हैं एप्लीकेशन बंद कर दें उससे पहले वी हैव टू मेंटेन आवर एक्सेस मेंटेनिंग एक्सेस में हम लोग बैकडोर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं रैट्स इंस्टॉल करते हैं वोम्स इंस्टॉल करते हैं टू गेट दैट अभी देखें बैकडोर का मतलब वही है कि अगर इन इवन अगर वो बंदा या कोई भी यूजर वो बंद भी कर लेता है स्टिल विल बी हैविंग एन एक्सेस फ्रॉम द बैकडोर टू देयर कंप्यूटर्स ठीक है चार स्टेजें हो गई ठीक है अभी फिफ्थ स्टेज क्या है फिफ्थ स्टेज है क्लियरिंग ट्रैक्स पांचवी स्टेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज गुड हैकर कभी भी कोई भी एक बहुत अच्छा हैकर होगा वो कभी भी अपने ट्रैक्स नहीं छोड़ता है ठीक है ट्रैक्स इन सेंस कि हम लोगों ने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की कुछ भी यूज़ किया ठीक है वो सब इनकेस जब बाद में वो होता है ऑडिट वगैरह कुछ भी हो कोई भी मतलब तो उसको कोई ट्रैक्स है कोई एप्लीकेशन नहीं मिलनी चाहिए उन कम्प्यूटर्स को जिन उन, जिनको आपने हैक किया हो द फिफ्थ स्टेज इज क्लियरिंग ट्रैक्स वो जो भी टेक्निक्स आपने इस्तेमाल किए हैं यूजर विल नॉट मतलब कुछ उनको पता ही नहीं चलेगा वैसे भी ऐसे ही होता है यूजर को कुछ पता नहीं चलता बैक एंड पे क्या हो रहा होता है ठीक है अभी लास्ट स्टेज है वैसे अगर हम हैकिंग की बात करें तो हैकिंग में पांच ही स्टेजेस होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. लेकिन वाइट हैंड हैकिंग के लिए दर इज़ ऑलवेज अ सिक्स स्टेज विच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग ठीक है अभी रिपोर्टिंग में हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को एक फाइल में एक जो है ना एक फोल्डर में कुछ भी हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं कि कौन कौन से रास्ते हम लोगों ने इख्तियारे थे टू गेट इन साइड योर नेटवर्क कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं आपके पास कौन कौन सी वलनेबिलिटीज़ हैं जहाँ से इंटरनेट के ऊपर आप लोग एक्सपोज हैं ठीक है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे देते हैं कंपनी को सो दिस इज सम दिक्स फेजेज वे बिफोर वी इनिशिएट द हैक्स वो सब हम लोग करके एंड देन फाइनली जो हैक हो जाता है सारी चीजें हम लोग बताए जो भी हमें टारगेट मिला गया दिया गया था वो हम लोगों ने अचीव किया उसके बाद हम लोगों ने उनको रिपोर्ट दे दी आई होप कि आपको ये सिक्स फेजेस बहुत आराम से बहुत ईजिली समझ गए होंगे आप ठीक है टेट यू आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो प्लीज